इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस आदत को आप कैसे रोक सकते हैं, और मुझे एक बहुत अजीब सी ट्रिक मिली जिससे प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टाइम वेस्ट करना मैंने बंद कर दिया। और ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ट्रिक असलियत में अजीब है, और मैं आपको बस बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ। इस ट्रिक ने एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है, और मैं बार बार इसे यूज करता रहता हूँ जब भी मैं फंस जाता हूँ और मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ और मैं टाइम वेस्ट करने लगता हूँ। अब ये आइडिया मुझे मेल रॉबिन से मिला है और इसने मेरी जिंदगी एकदम बदल दी है। तो इस ट्रिक का नाम ये है द 5 सेकंड रूल। आपके पास कोई भी डिसीजन लेने से पहले 5 सेकंड ही होते हैं सिर्फ। तो बात असलियत में ये है कि आपका दिमाग बहुत कंफर्टेबल रहना पसंद करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है जब आप खुश रहें और आप बहुत ही कंफर्टेबल हों और आप एकदम अपने बेड में सो रहे हो। आपके ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसका नाम है डोपामीन, जो रिलीज हो जाता है जब भी आप जंक फूड खाते हैं या आप और नए नए वीडियोस देखते हैं। इससे आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है और आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स आती हैं, और आपका ब्रेन इसी तरीके से कि वो आपको बार बार फोर्स करेगा कि आप यही चीजें करें। इसीलिए जब भी आप YouTube पे वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर वीडियो पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा सा डोपामीन रिलीज कर देता है, क्योंकि आप एंटरटेन हो जाते हैं या आप कुछ नया सीख लेते हैं या आप कुछ बहुत ही एक्साइटिंग देख लेते हैं। जब आप बैठे होते हैं और आप कुछ कर नहीं रहे होते और आप बस टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस स्टेट से निकलने के लिए आपको एक थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से आप उठ के अपना काम करने लगेंगे। आपका ब्रेन नहीं चाहता है कि आप वो एनर्जी स्पेंड करें। अब 5 सेकंड का बड़ा आइडिया ये है कि आपका ब्रेन कभी चाहेगा ही नहीं कि आप वो काम करें। ये एक फैक्ट है कि कभी आपको मन ही नहीं करेगा कि आप उठ के वो काम करें, लेकिन जब भी हम अपने फीलिंग्स के बावजूद वो काम करते हैं वो तब होता है जब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होती है। कि जब आपको सुबह उठ के स्कूल या काम के लिए जाना होता है, या मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स ने आपसे कुछ काम करने को कहा तो आपको करना ही पड़ता है क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है। और यही चीज हमें अपने साथ करनी होगी अगर हम टाइम वेस्ट करना रोकना चाहते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हम लोगों को फोर्स करते हैं काम करने के लिए, वैसे हम लोगों को अपने आप को फोर्स करना होगा। और ये करना बहुत ही सिंपल है। मेल रॉबिन्स के हिसाब से जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट आए कोई भी काम करने के लिए, तो 5 सेकंड के अंदर आपको वो काम करना शुरू करना होगा। अगर आपने 5 सेकंड से ज्यादा देर कर दी तो आपका ब्रेन कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा और टाइम वेस्ट करने के लिए। तो जो भी चीज आपको करनी है 5 सेकंड के अंदर उठ के वो काम करने लगिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये ट्रिक बहुत ही आसान लग रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को एकदम ध्यान और बारीकी से समझ लें और इसको अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो मान लीजिए कि आपके दिमाग में एक थॉट आया कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। अब इस थॉट को आए हुए 5 सेकंड होने से पहले आपको एक्शन लेना होगा उसी टाइम, और सबसे अच्छा यही रहेगा कि वो एक्शन ऐसा हो जिसमें आपकी बॉडी मूव हो, ताकि आपका दिमाग आपको सोचने के लिए फोर्स ही ना कर पाए। तो मान लीजिए कि अगर आपको लगा कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, फौरन उठिए और अपने एक्सरसाइज वाले कपड़े पहन लीजिए। हम लोगों का दिमाग 2 मोड्स में काम करता है। एक है ऑटो पायलट मोड, जिसमें वो काम होते हैं जो आप रोज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ड्राइविंग या कोई मैनुअल वर्क कर रहे हैं या आप कपड़े साफ कर रहे हैं। और एक दूसरा मोड होता है जहाँ पे आप एक्चुअली में ध्यान देने लगते हैं और आप बारीकी से समझते हैं कि क्या हो रहा है और आप क्या काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे और आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बात पक्की है कि ये एक्शन आपका ऑटो पायलट मोड पे नहीं है। तो आपको ये करना चाहिए कि एक टाइम सेट कर लीजिए कि इस टाइम मुझे एक्सरसाइज करनी है, और हर रोज उसी टाइम जैसे ही आपको याद है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, 5 सेकंड के अंदर बगैर कुछ सोचे समझे कि मैं थक गया हूं और मुझे ये करना है और मुझे वो करना है, 5 सेकंड के अंदर उठिए और अपने एक्सरसाइज वाले कपड़े पहन लीजिए। अगर आप 5 सेकंड से ज्यादा देर कर देंगे तो कभी ना कभी आपका ब्रेन आपको कन्विंस कर लेगा कि अरे यार मैं बाद में कर लूंगा या अभी तो बहुत टाइम है। इसीलिए इन 5 सेकंड के अंदर आपको कंट्रोल लेना होगा ताकि आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकें। और जब आप इस चीज को बार बार करते रहेंगे तो ये एक्शंस फिर ऑटो पायलट मोड में आ जाएंगे, और फिर आपको ये 5 सेकंड वाला रूल यूज भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रूल आप अपनी लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आप टाइम वेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए आप अपनी किसी कंपनी के नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हैं और आपको लोगों से मिलना है, अगर आप रूम के अंदर गए और आपने 5 सेकंड से ज्यादा ले लिया तो आपका दिमाग आपको कन्विंस करने लगेगा अलग अलग एक्सक्यूजेस से कि अरे मैं तो यहाँ पे किसी को जानता ही नहीं हूँ, मुझे शायद अपने दोस्त ढूंढ लेने चाहिए।
मैं यहाँ कॉर्नर में जाके बैठ जाता हूँ, क्योंकि आपने 5 सेकंड वेट किया, आप अपने आप को ऑलरेडी हरा चुके हैं। तो अगली बार जब आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाइए, जैसे ही आप पहुंचिए 5 सेकंड के अंदर किसी की तरफ जाइए, स्माइल करिए और उनको हेलो बोल दीजिए। ज्यादा सोचिए नहीं, बस उसी टाइम एक्ट कर दीजिए। पहले क्या होता था कि जब भी मुझे कोई आइडिया आता था कि मुझे वीडियो बनाना है, मैं सोचता था कि अरे यार मुझे शायद थोड़ी और रिसर्च कर लेनी चाहिए इस टॉपिक पे, मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से तैयार करनी चाहिए, मुझे शायद थोड़ा अच्छा गाना लगा के कॉफी पीनी चाहिए ताकि मेरा दिमाग और तेज हो जाए। ये सब बहाने थे जिससे मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही एक थॉट आता है मेरे दिमाग में कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उसी टाइम अपना लैपटॉप खोलता हूँ और अपनी स्क्रिप्ट लिखना चालू कर देता हूँ। मेरे पास अगर सही वर्ड्स भी नहीं हो तब भी मैं लिखता रहता हूँ, क्योंकि 5 सेकंड के अंदर मैं एक्शन ले लेता हूँ, मैं वो काम कंप्लीट कर ही देता हूँ और मेरा दिमाग मुझे रोक नहीं पाता है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि क्योंकि ये मेथड बहुत आसान दिख रहा है, ऐसा ना सोचिए कि इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे मालूम है कि बहुत आसान और बहुत ही सिंपल दिख रहा है, और हाँ ये सिंपल है, लेकिन ये बस एक और तरीका है आपको टाइम वेस्ट करने से रोकने का। और मेरे एक्सपीरियंस में ये सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने का। एक चीज मेल रॉबिन्स ने बताया कि वो ऐसा इमेजिन करती है कि जब भी उनको कोई काम करना होता है, वो सोचती है कि वो एक रॉकेट शिप है और सिर्फ 5 सेकंड बचे टेक ऑफ में। तो वो कहती है कि काउंटडाउन किया करो 5 से लेके 1 तक, और फिर बगैर कुछ सोचे, बगैर किसी थॉट के उठो और अपना काम करना शुरू कर दो। वो रॉकेट की इमेज आपके दिमाग में ये चीज बहुत क्लियर कर देता है कि कोई चॉइस नहीं है आपके पास, आपने बस एक बार जब डिसाइड कर लिया तब 5 4 3 2 1 फिर लिफ्ट ऑफ, उसके बाद से अब कोई चॉइस नहीं और आप अपना काम करना शुरू कर देंगे।